Please welcome Sonakshi Sinha and Varun. Varun, मतलब तुझे शर्म तो नहीं आई होगी ना? मैम, मैं ना इतने बादाम, इतने काजू, इतना पिस्ता, जितना मतलब दिवाली में मेरे घर पे गिफ्ट आए थे ना, सारे खा के आया हूँ. सारी स्मेल मुझे अभी तक आ रही है. विश एंड प्रे की जितनी बैंड मेरी बजी थी ना, तेरी भी बजे रॉन्ग आंसर पे. गेस द फ्रूट. किन्नू. किन्नू. क्या? किन्नू. किन्नू. वो जल्दबाजी में उंगली ऊपर टच होगी. तेरी उंगली कहाँ कहाँ टच होती है जल्दबाजी में? This time the subject is Ramayan. हाल ही में मेरे साथ एक हादसा हुआ था, उसके बाद जो मैंने रामायण, महाभारत सारे पढ़ के जो मैं आ चुकी हूँ. रामायण में भगवान राम की माँ का क्या नाम था? Hello and welcome to the only examination hall जहाँ पे stress, tension और silence मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि चाहिए ढेर सारा धमाल, मस्ती और पार्टी होनी चाहिए. स्कूल की प्रिंसिपल क्यों नहीं हूं? और आज के बैक बेंचर्स की क्लास में आ रही है वो जिन्हें थप्पड़ से डर नहीं लगता लेकिन मार्क्स से जरूर लगता है, और अब मेरे सवालों से भी लगेगा. प्लीज वेलकम दबंग सोनाक्षी सिन्हा. बेटा सोना, वेलकम. वेलकम टू बैक बेंचर्स. थैंक यू मैम, बट आपको बता दूं मैं फ्रंट बेंचर थी वैसे स्कूल में. आज पता लग जाएगा ना, आज दूध का दूध पानी का पानी हमारे शो पे ही होता है. अच्छा ये बताओ तुम्हारे साथ कम्पीट करने कौन आ रहा है? यू नो व्हाट, मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है और यू नो वो पिछली बार यहाँ पर आया था तो फेल हो गया था, तो कई मुंह दिखाने लायक नहीं रहा वो. हाँ वो तो मुझे पता है, वहाँ एक ही आके इतनी बुरी तरह से फेल हुआ है. अच्छा है कि इज्जत बचाने वापस आ रहा है. Correct. वो तो बुलाओ बुलाओ उसे. मिस्टर वरुण शर्मा. मैम वरुण, मतलब तुझे शर्म तो नहीं आई होगी ना? मैम मैं ना इतने बादाम, इतने काजू, इतना पिस्ता, जितना मतलब दिवाली में मेरे घर पे गिफ्ट आए थे ना, सारे खा के आया हूँ. सारी स्मेल मुझे अभी तक आ रही है. हेड स्टैंड करे, सारा का सारा खून अभी मेरे दिमाग के अंदर घूम रहा है. आज आप मेरे से बस सवाल पूछो. कुछ होना तो है नहीं, इतना किया है क्यों? एक्चुअली पिछली बार जब मैं आया था ना वो बैक बेंच पे, जैसे ही मैं पीछे बैठता हूँ ना मैं फ्लेम्स निकालने लग जाता हूँ. फ्रेंड, लव, मैरिज, अट्रैक्शन, एनिमी, सिस्टर. तो मैं जब कर रहा था ना तो मेरा ध्यान भटक गया क्योंकि मेरा ना लव आ गया था स्कूल में. नहीं मतलब सोनाक्षी, ये इसकी ऑटोबायोग्राफी है. फ्रेंड, लव, अट्रैक्शन, मैरिज. चलो तो ये कह रही है कि फ्रंट बेंचर रही है हमेशा. मैं आगे बैठती थी हमेशा. रियली? पीछे से कौन का ना, और पीछे से मस्ती करती तो मैं उनकी कंप्लेन करती थी. सही में मजा आता था. हाँ. ये सोनाक्षी को देखा तुम जब वो छोटी थी, ऐसे बड़े बड़े चश्मे, ऐसे मतलब शी वाज अ पहलवान इन स्कूल. आई वाज टीचर्स पेट. हाँ, यू मस्ट बी दैट फ्रेंड. हाँ मैं तुम दोनों को बता दूं, जैसे ये तो सीखे आया है. आई नो इट ऑल. इस क्लास में परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन हमें बिल्कुल नहीं चाहिए. नहीं चाहिए हमें. हमें चाहिए सोना की चांद पत्ती और चूचा की चूचागिरी. वो भरपूर मिलेगा. भरपूर. तो रूल्स मैं समझा देती हूँ जी. तो यहाँ टोटल 3 टेस्ट देने पड़ेंगे, लेकिन आज तीनों राउंड्स होंगे सरप्राइज टेस्ट. सरप्राइज टेस्ट, क्योंकि ये आ गया, इसे फॉर्मेट पता है. तो पहला राउंड है सरप्राइज टेस्ट 1. तो आ बेल मुझे मार हो गया. दूसरा राउंड है सरप्राइज टेस्ट 2 एंड तीसरा राउंड है सरप्राइज टेस्ट. तूने क्या सोचा चूचे, तुझे एडवांटेज मिलेगा पहले आके? लेकिन तुझे पता है मैं बहुत फेयर एंड लवली हूँ. आई एम अ वेरी फेयर लेडी. चलो इट्स टाइम पहले एडमिशन टेस्ट का. ये है सब्जेक्ट टेस्ट. दिस टाइम द सब्जेक्ट इज रामायण. सोना, ये तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है ना सोना? हाँ. हाल ही में मेरे साथ एक हादसा हुआ था और उसके बाद जो मैंने रामायण, महाभारत सारे पढ़ के जो मैं आ चुकी हूँ, आप मुझे आज किसी चीज में भी सवाल पूछ लो ना, मैं मतलब आपको सवाल के साथ साथ एक और सवाल दूंगी जो आप मुझे पूछ पाओगे. वाओ, डोंट वरी, आई हैव गॉट दिस सॉर्टेड. आई लव दिस सरप्राइज. वाह. और तू महाभारत के आंसर्स मत देना रामायण में.
मेरा इंकी पिंकी पोंकी तो काम करेगा ना? रास्ते में इंकी पिंकी पोंकी, रास्ते में इंकी पिंकी पोंकी करके मेरे आंसर सही हो गए? रियली? सच्ची? वाह, आज भी ट्राई करना, आज भी वही ट्राई करना, आज भी। तो राउंड वन क्वेश्चन वन, रामायण में भगवान राम की माँ का क्या नाम था? योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कुंती, ऑप्शन बी कैकेयी, ऑप्शन सी कौशल्या, ऑप्शन डी सुमित्रा। एंड योर 45 सेकंड स्टार्ट नाउ। इधर हाथों का इधर इधर इस पे वो प्रेस करना ना, पर कुछ है नहीं। अरे आएगा ना, इस पे प्रेस करो, प्रेस करो, उसको दिखा मत। हाँ मत कर यार, ये क्या हो रहा है? बेंचें टूट रही है। मैंने बोला था ना महाभारत के आंसर्स ये रामायण में देगा। अरे यार, भगवान राम की मम्मी का नाम कुंती। नहीं नहीं, मैं चेंज कर सकता। सॉरी 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 सॉरी। हाँ, ऐसे क्यों लिखा तूने? चेंज कर सकता हूँ। चेंज कर, तू अपने शर्ट चेंज करके आ जा, वो ही तू चेंज कर सकता है। आई होप विश एंड प्रे कि जितनी बैंड मेरी बजी थी ना, तेरी भी बजे रॉन्ग आंसर पे। तो आपने कुंती क्यों लिखा? मैं कंफ्यूज हो गया था। पिंकी पिंकी पोंकी भी नहीं किया, और सोनाक्षी ने लिखा है कौशल्या। मैंने एक्चुअली वही करना था। क्यों नहीं किया? सच्ची कह रहा हूँ, वो जल्दबाजी में उंगली ऊपर टच होगी। तेरी उंगली कहाँ कहाँ टच होती है जल्दबाजी? हाँ, छिछोरे देखी है मैंने। तो सोनाक्षी, आपको मिलते हैं 10 marks। आपका आंसर बिल्कुल सही। खुश तो बात होगी तुम, बहुत ही ज्यादा। तो मतलब ये पढ़ के आइए पूरा। चलो क्वेश्चन नंबर 2, भगवान राम को सबसे पहले किसने बताया था कि सीता माता का अपहरण रावण ने किया है? योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए संपत्ति, ऑप्शन बी लक्ष्मण, ऑप्शन सी जटायु, ऑप्शन डी हनुमान। योर 45 सेकंड स्टार्ट नाउ। कॉपी कर रहा है वो। क्या बात है, 2 सेकंड में आंसर। बोला ना ऑप्शन में ही देखने पड़े, मैं ऑप्शन भी नहीं चाहिए। तो आपने कॉपी किया क्या? नहीं, नहीं, मैं कॉपी। आपको पता था? मुझे पता था, मैं बहुत नॉलेजेबल आदमी हूँ। मेरे को जटायु की स्टोरी सुननी है। जटायु के भाई का नाम क्या था? एक मिनट यार, ओ सोना, मुझे वो भी पता है। बोलो, वो तो मुझे भी नहीं पता है। संपत्ति। हाँ, तो संपत्ति आया था ना वहाँ पर। लक्ष्मण जी तो साथ में थे ना राम जी के। हाँ, हनुमान जी बाद में गए थे हेल्प करने। करेक्ट। तो जटायु जी ने बताया होगा। डिडक्टिव नॉलेज तेरी अच्छी है, बिल्कुल सही आंसर। आप दोनों को 10 marks मिलते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि सोनाक्षी जिस घर में रहती है उस घर का नाम रामायण है। उनके डैडी का नाम शत्रुघ्न है। डज ही हैव थ्री ब्रदर्स कॉल्ड, पूरी हिस्ट्री पता है? यस, ही हैज थ्री ब्रदर्स कॉल्ड राम, लखन एंड भरत। ओ माय गॉड, यस। एंड नो, दैट्स नॉट ऑल, माय ब्रदर्स नेम्स आर लव एंड कुश। मेरे घर का नाम रामायण। बट दे कुड हैव गिवन यू आल्सो सम रामायण से रिलेटेड नाम। नहीं, सुर्पनखा ऐसा कुछ नहीं ना? सोनाक्षी का मतलब क्या? सुर्पनखा वाले काम तो कर ही रही हूँ मैं। सोनाक्षी का मतलब पिछली बार नाक कटवा के आई थी, पर मैं नहीं कटवाऊंगी। सोनाक्षी का मतलब क्या होता है? गोल्डन आईड। ये सोना गोल्ड अक्षी आईज। वाह जी, यस। क्वेश्चन नंबर 3, राम और सीता के जुड़वा बच्चों का नाम क्या था? योर ऑप्शंस आर ए भरत शत्रुघ्न, ऑप्शन बी करण अर्जुन, ऑप्शन सी हनुमान सुग्रीव, ऑप्शन डी लव कुश। योर 45 सेकंड स्टार्ट नाउ। सोचने की कितनी एक्टिंग कर रहा है ये। तो 1 सेकंड में आंसर दिया सोना, वेरी इंप्रेस्ड। मतलब अगर ये मुझे नहीं पता होता ना तो मतलब घर में एंट्री बंद। घर में एंट्री बंद। कुछ तो तू चीटिंग कर रहा है, कहीं और वायर नहीं लग। लव कुश आंसर है, और लव कुश इनके जुड़वा भाइयों का नाम है। किसके भाइयों से मार खाई है तूने, वो बोल। मैंने कॉलेज में बहुत मार खाई है मैम। मैं जैसे पंजाब से हूँ, मैंने आपको बताया हमारे ना वहाँ पे गेड़ी मारते हैं। क्या गेड़ी? एक शब्द है गेड़ी। गेड़ी मतलब होता है कि जब हमारे पास बहुत एम्पल टाइम है और पेट्रोल बहुत फूकने के लिए है, अच्छा, आप सड़क पे निकल जाओ चश्मे पहन के। और हम ना, मतलब मैं नहीं, लेकिन वहाँ पे होता था कि आप, वो ना काले शीशे होते हैं, इतने से शीशे खुले होते हैं और ऐसे ना शेड लगाए होते हैं काले रंग के, और कॉलेज के बाहर जाकर ना चिट्स फेंकते थे। उसमें क्या लिखा होता? फोन नंबर। और मेरे को बड़े होकर समझ आया कि हम कितने स्टूपिड होते थे, क्योंकि काली गाड़ी, काले शीशे और इतने से अंदर आपने चश्मे पहन के, सिर्फ आपके चश्मे दिख रहे हैं। जिसने चिट उठानी भी है वो क्या समझ के उठाएगी?
कि किडनैपर आया है उसका फोन नंबर ले लेती हूं मैं। और लेकिन मैम मजाक नहीं कर रहा, सच्ची फोन आते थे। मेरा एक दोस्त था उसके पास ना स्टीम गाड़ी होती थी, उसने स्टीम के पीछे स्टिकर लगाया हुआ था मैं बड़ी होकर BMW बनूंगी। सच्ची तो उसको आए फोन, उसको बहुत है उम्मीदों में। चले हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सीता के अपहरण के बाद रावण ने उन्हें लंका में कहां रखा था? ऑप्शन ए इन हिज पैलेस, ऑप्शन बी अशोक वाटिका, ऑप्शन सी इन द टेंपल, ऑप्शन डी इन द प्रिजन। योर 45 सेकंड स्टार्ट नाउ। ये देगा ना उसके बाद ही मैं दूंगी। हाँ अब ये तो हारेगा तुझे भी लेके जाएगा। क्या एक मिनट, कौन इसको आंसर दे रहा है? मैम कोई नहीं दे रहा, मेरी शक्ल से लगता है लेकिन नॉलेजेबल हूं। भाई देख रहा है और ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। नहीं नहीं मैम मेरी शक्ल से नहीं लगता, मैं बहुत नॉलेजेबल हूं। कैसे पता अशोक वाटिका? मैम पता है मैम, बुक्स। हां बुक्स, कौन सी बुक? आर्ची कॉमिक्स के अलावा कुछ पढ़ा और हॉलमार्क। तो आप दोनों के सही आंसर है, आप दोनों को मिलता है 10 मार्क्स। वरुण हमें विशेष सूत्रों से पता लगा है कि आप एक बार कॉलेज में विदाउट प्लेन और विदाउट वीजा US पहुंच गए थे। व्हाट रबिश। तो मेरी ना मैं एक्चुअली मैं साइकोलॉजी होती थी मेरे पास। साइकोलॉजी होती थी yeah. मतलब होती थी क्या होता है? मतलब मैं पढ़ता था साइकोलॉजी। अच्छा तो हम बंक मारते थे, तो बंक मार के वॉशरूम में खड़े रहते थे पता नहीं क्यों। सच्ची कह रहा हूँ, उस टाइम पर ना ऐसे गीले बालों का ना फैशन आया था, ऐसे पुश बैक, जॉन इब्राहिम जी की पिक्चर आई थी पाप, तो हम भी ना पता नहीं, हमें सबको लगता था हम जॉन इब्राहिम है, तो हमने ऐसे गीले बाल करके ऐसे पीछे। बॉडी तो सेम है दोनों की। हाँ मैम लिटिल लिटिल। तो ना ऐसे पुश बैक करके पीछे से पानी चोरा होता था, निरे बेवकूफ लग रहे होते थे सारे, मतलब निरे। I can imagine. तो मैंने एक दिन साइकोलॉजी की क्लास बंक मारी, दूसरे दिन साइकोलॉजी की क्लास बंक मारी, तीसरे दिन साइकोलॉजी की क्लास बंक मारी, मुझे लगा चौथे दिन अगर अब मैं जाऊंगा तो मेरे को बहुत डांट पड़ेगी टीचर से कुछ है, तो मैं बंक पे बंक ही मारता गया। तो मैं एक महीने तक साइकोलॉजी की क्लास बंक मारता था, और एक महीने के बाद मेरे को पता चला साइकोलॉजी का पीरियड है, मैं बाहर निकलने ही लगा था तो मैम इंटर कर दी, तो मैम कहते वरुण वेयर वर यू पास वन मंथ, मैंने कहा मैम एक्चुअली आई गॉन फॉर अ फैमिली ट्रिप टू US एंड शी बॉट इट, और वो खुद साइकोलॉजी के टीचर थे। बट उसको पता नहीं कि तू बाकी क्लासेस अटेंड कर रहा था। नहीं पता था, तो मैंने उन्होंने भी मान लिया, उसके बाद से फिर मैं क्लास में बैठना शुरू। एक महीना वॉशरूम में क्या किया तूने? कुछ नहीं किया मैम, कुछ नहीं। इससे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। राम को वनवास पर जाने का आदेश किसने दिया था? ए ऑप्शन ए हनुमान, ऑप्शन बी दशरथ, ऑप्शन सी कौशल्या, ऑप्शन डी जनक। योर 45 सेकंड स्टार्ट नाउ। ही इज प्रेइंग टू लॉर्ड राम टू टेल हिम द आंसर। नहीं नहीं मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। प्रेस ना? नहीं नहीं भाई। आप क्यों इतना टाइम कर रहे हो? After you, my friend. After you. टाइम पे लास्ट 1 सेकंड में प्रेस कर देना। हाँ। किया? इस बारी और नहीं आया बात। आप दोनों को मिलते हैं 10 मार्क्स इज द राइट आंसर। क्या हो रहा है? एक मिनट मैम। क्या हो रहा है? मैम मेरी कहानियों के लिए मुझे 5 नंबर नहीं मिलेंगे? और कहानी के लिए मैम गेड़ी की कहानी आपको बताई, साइकोलॉजी की आपको कहानी बताई, इतनी कहानी में मेरा बचपन निकला है मैम, इमोशनली टाइप। आपने मेरे से तो मेरी कोई भी कहानी नहीं पूछ ली। मैंने भी तो खुद ही बताई। नहीं आपने कब डिसाइड किया कि आप एक्ट्रेस बनोगी? मैंने डिसाइड ही नहीं किया। क्या बात कर रहे हो? आई स्वेयर मुझसे किसी ने पूछा नहीं आपको एक्टिंग करनी है। हमने भी इतनी मेहनत करी है। स्कूल में मुझे प्लेस का शौक था, मैं लिखती बहुत अच्छा थी, बोलती बहुत अच्छा थी, तो मुझे हमेशा ना प्ले में सोनम को मेन रोल मिल जाता था। हम लोग सेम स्कूल शी वाज माय सीनियर एंड हम लोग सेम हाउस में थे, और मुझे नरेटर का रोल दे देते थे, मुझे मतलब साइड में एक माइक के साथ खड़ा कर देते थे, और जो नरेटर बीच में जो कहानी बोलनी होती ना वो तुम बोल देना बेटा, तो मैं बोल देती थी। और फिर देन आई नेवर वांटेड टू एक्ट। फिर कॉलेज हो गया, फैशन डिजाइनिंग पढ़ी, फिर आई लॉस सम वेट एंड देन अरबाज सेड कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, आई विल कम टू यू। तो आई डेंट टेक इट वेरी सीरियसली, एंड दे एक्चुअली केम टू मी विद दबंग एंड मुझे किसी ने पूछा नहीं। नरेशन होगी मेरे घर पे, और जैसे अरेंज मैरिज होता है ना, सब एक फैमिली मीटिंग हो जाती है और सब ऐसे ऐसे करके उठ के चले जाते हैं, हो गया रिश्ता, ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। तो एवरीवन डिसाइडेड फॉर मी,
और इसने बेचारे ने कितने पापड़ बेले, 3 घंटा झाड़ बन के खड़ा था। हाँ, मेरा पहला स्टोरी तो जिस स्कूल से मैं पढ़ा ना सोना, उनसे ना संजय दत्त सर एल्यूमिना है उस स्कूल के, तो ना प्ले हो रहा था और संजय दत्त जी एल्यूमिना थे और वो फाउंडर्स डे होता है हमारा, तो वो एज ए चीफ गेस्ट आ रहे थे और उनको मेरे को पता था कि उन्होंने एक वो देखना है, एक प्ले देखना है, और मैं संजय दत्त जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैंने अपने ड्रामेटिक टीचर को बोला, मैंने कहा सर कुछ भी मुझे रोल दे दो, मेरे को कास्टिंग करा दो, मेरी कहीं पर भी कुछ भी है। तो कहते सारे रोल चले गए, एक पेड़ की जगह खाली है। तो मैंने कहा डन, नो प्रॉब्लम। तो मेरा पहला परफॉर्मेंस लाइफ में जो स्टेज पे था कि मैं एक पेड़ के आउटफिट में, थोड़ा हैवी पेड़ था वो, यू नो, तो ऐसे पेड़ के आउटफिट में सिर्फ खड़ा और मैं सिर्फ 2.5 घंटे तक था संजय दत्त जी को देख रहा हूँ। और उस टाइम में मुझे लगा यार नहीं यार, मेरे को ना बड़े होकर एक्टर बनना है, नहीं करते हैं कुछ। वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरी तो नरेशन जिंदगी में कुछ 8-9 साल बाद हुई। कैसा स्कूल है ये, कार्डबोर्ड का पेड़ क्यों नहीं रख दिया बंदे को वहाँ पे, क्यों खड़ा कर लिया 3 घंटे? He they wanted a wooden performance. आपके लिए यहाँ नौकरी है, ये बेचारे कब से वहाँ आधे लटके हुए हैं, यू कैन कम एंड रिप्लेस हिम। भैया भाभी कौन है? ये स्कूल के फाउंडर्स। ओह सॉरी। तो अब मैं आपको टोटल स्कोर्स बता दूं। टोटल स्कोर्स ऑफ राउंड वन आर वरुण 40 marks out of 50, सोनाक्षी आपने पूरा रिडेम्पशन कर लिया है 50 marks out of 50। अब मैं सर उठा के रामायण में कदम रख सकती हूँ। ऑफ फूलों से स्वागत होगा तुम्हारा घर पे। आर यू डूइंग बडी? हेलो कुशल मंगल। अच्छा मिशन पे भी चले इनके साथ फिर? हाँ, ये हो गया है, हमने ज्ञान का ढाबा, हम नहीं रहे पियन, अब हम बन गए हैं बाबा। ओहो बड़े, ये हमारे स्कूल के एकदम ही नए आई थी, मतलब बेकार निकम्मे और कोई काम के नहीं पियून तिवारी। हर स्कूल में ऐसा एक तो होता है। नमस्ते भैया। हाय वरुण जी। हे बड़ी, हाउ यू डूइंग? अंग्रेजी? या एवरीथिंग इज गुड, व्हाट अबाउट एवरीथिंग? लव मैन, एवरीथिंग इज गुड। ये ब्रदर, ये इट स्टार्ट विद व्हाट इज, आई डोंट नो। तो फिर आ गया मेरा टाइम वेस्ट करने। अरे मैडम सुनिए जरा, आपका काम हम सॉर्टेड करने आए हैं। देखिए अभी सवाल पूछ लेते हैं, वो का है जो मर्द में 2 होता है औरत में 3 होता है? मर्द है ना, मर्द है ना? अरे मैं सोच रहा हूँ। सांग 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 फ्रिज फ्रिज शराब दे देंगे, भरा पड़ा है बिल्कुल। नहीं आता है किसी को भी ये बेहुदा सवाल का आंसर। आता भी होगा, देना नहीं चाहते। क्या है आंसर? आंसर मैडम आप पूछ रहे हैं तो बता देते हैं, अक्सर मर्द में 2 अक्सर, औरत में 3 अक्सर। अब दोनों को मिलता है अंडा। दूसरा सवाल है कि वुमेन के आगे और काओ के पीछे का होता है? रॉन्ग सवाल ही रॉन्ग पूछा तुमने। डब्ल्यू। अरे वाह, ठीक है मैडम चलते हैं। अभी आएगा सरप्राइज टेस्ट नंबर 2 विच इज कॉल्ड द रिटन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, 10 प्राइम नंबर्स लिखिए। 45 seconds begins now. आपको एक हिंट दे दूं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो और कोई नंबर से डिविजिबल नहीं होते। क्या बात कर रहे हो? देखना नहीं है भाई? मैं कहाँ देख रहा हूँ भाई। अरे प्राइम नंबर मेरे चेंज हो जाएंगे। 17। हट जा तिवारी वहां से। 19 कटता है किसी से? 20 तो कटता है मैम। हाँ मेरा 19 कॉपी कर लिया। चल रहे चलो। वन में दे देती हूँ, एक्चुअली 1 काउंट नहीं होता है, बट 113 करेक्ट, 17 करेक्ट, 11 करेक्ट, 19 करेक्ट, कितने लिखे? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 लिखे। काउंट करना मंजूर प्लीज। इसने पता नहीं कितने लिखे हैं। 1, 11, 3 भी है वैसे, 7 भी है। मैंने कहा एक छोड़ देते। 11, 13, 51 रॉन्ग है। 81 इज डिविजिबल बाय 9, 51 इज डिविजिबल बाय 17, लेकिन फिर भी आपने इनसे ज्यादा करेक्ट प्राइम नंबर्स दिए, इसलिए मैं आपको 10 मार्क्स दे रही हूँ। सोना कुछ करो, मैं 5 मार्क्स दे सकती हूँ। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। और 5 मार्क्स। दैट वाज इजी, कम ऑन।
मेरी क्लास में. क्वेश्चन नंबर टू, स्पेलिंग ऑफ इंजीनियस. कौन सा जीनियस? इंजीनियस. योर 45 सेकंड स्टार्ट्स नाउ. करना करना मत करना यार, मेरा मत कर ही नहीं रही हूं मैं. इसकी स्पेलिंग रॉन्ग ही होगी. एग्जैक्टली व्हाई आई एम वेटिंग. वाह वाह माशाल्लाह. ये वर्ड मैंने लाइफ में कोई भी डिक्शनरी में नहीं देखा. मैम एक मिनट, मैं बताऊं कैसे. देखो इंजीनियर था, जीनियस तो मेरे को पता था क्योंकि मैं हूँ. उसके पीछे इन लगाया पहले आई एन. हाँ. मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया. हाँ. मुझे लगा ऑन जीनियस ना हो जाए टाइप. सोनाक्षी आई एन जी ई एन आई ओ यू एस फुल मार्क्स, 10 मार्क्स. अब टेस्ट करूंगी तुम दोनों की ज्योग्राफी. ओके. बहुत ट्रैवल करते हो ना आप, देखते हैं खुद की कंट्री के बेसिक जानते हो या नहीं. तो होगा ये कि मैं बोलूंगी 5 स्टेट्स के नाम और तुम दोनों को अपने अपने मैप्स पे उन स्टेट्स की सही लोकेशन के हिसाब से वो नाम वहां लिखने होंगे. और आज आपको पता लगेगा, आज पूरे इंडिया का नक्शा बदलने वाला है क्योंकि चूचा देखो अभी कहां से नॉर्थ को साउथ और साउथ को वेस्ट में करता है. तो पहला स्टेट है आंध्र प्रदेश. अरे आपका टाइम शुरू होता है नाउ. दूसरा स्टेट है असम. असम तो मुझे पता था ऊपर था. आंध्र प्रदेश, असम. तीसरा स्टेट है उत्तराखंड. यार ऐसे मत करो यार. चौथा स्टेट है पंजाब. ओ मैं एक मिनट अगर इसमें गलत हो गया ना मैं पंजाब में, मेरे को बहुत डांट पड़ेगी. पंजाब से तो बॉयकॉट हो जाएगा. पांचवा स्टेट है गुजरात. आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात, असम और उत्तराखंड. यार एक मिनट, उत्तराखंड का है, पंजाब का है, पहले वो तो डाल. पंजाब ही रहा मैम मेरा. अच्छा डाला तूने. अरे महाराष्ट्र है भी नहीं, अभी लिखना है मेरा असम. ठीक है ओए, अब नहीं लिख सकते, हमने असम लिखा ही नहीं. दो और लिख दिया मैंने कोई. तुम दोनों का गुजरात तो सही. ओ शिट, मेरा यूके ऊपर रह गया यार. गुजरात सही है. आई न्यू इट. मैं ये क्या? ए मैंने एक ऊपर लिख दिया, मुझे पता था ये था. और मैंने आपके चक्कर में वही पे लिख दिया यार. आप दोनों का पंजाब भी सही है. असम मेरा सही हो गया ना. मैंने पता क्यों लिखा, क्योंकि असम सीधा फिट हो रहा था यहाँ पे. आंध्र प्रदेश किसी का भी सही नहीं था. I knew it, ये था. आंध्र प्रदेश ये रहा, इधर इधर नीचे नीचे. और क्या था, उत्तराखंड. हाँ उत्तराखंड लिखा ही नहीं. मेरे ऊपर चला गया यूके. यूके यूनाइटेड किंगडम. मैं उत्तराखंड. मैं अभी वहां पे हम शूट करके आए थे, हर नंबर पे लिखा होता यूके ओ टू. तो तुझे लगा तू लंदन में शूटिंग. मैं तो जुड़ा था बकिंगम का है. देखो जो स्टेट जहाँ भी हो, मुझे इतना पता है मेरा भारत महान. जय हिंद. वाह इसके लिए मैं 5 पॉइंट दे सकती हूँ. आपको कितने सही मिले? मैं मेरा एक ये पंजाब ठीक है, गुजरात ठीक है, असम ठीक है, बस बाकी बस, 3. बाकी तूने मैप की माकी यहाँ कर दी है. आपका सही है गुजरात और पंजाब. यस yes. और मेरा भारत महान, उसके लिए मार्क्स मिलने चाहिए. हाँ तो आप दोनों को मैं 5-5 मार्क्स देती हूँ. मेरे को एक्स्ट्रा दे रहे हो? 5 मार्क्स सिर्फ. क्यों? क्योंकि 2 तो लिखे नहीं तूने. 3 तो लिखे. हाँ तो 3 उससे मेरा भारत मान. तो मेरे 7.5 तो बनते हैं मैम. मैम 7 तो वैसे भी आपका फेवरेट नंबर है. तो तेरे को मैं 7 मार्क्स देती हूँ. बहुत नाइंसाफी है, देशवासी बहुत नाराज हो जाएंगे. आपने इसको 2 मार्क्स ऐसे कुछ फालतू में दे दिए. मैंने मेरा भारत महान लिखा है यहाँ पर. आप दोनों को मैं 10 मार्क्स देती हूँ. अब मैं आपको दिखाऊंगी कुछ रोड साइंस और आपको उनके नाम बोर्ड पर लिखने हैं. मतलब ये देखो जैसे कि ये बच्चा भाग रहा है, स्कूल होगा. आपका टाइम शुरू होता है अब. बच्चा स्कूल पे भाग रहा है कि स्कूल से भाग रहा है? नेक्स्ट है ये. ओह नो यू टर्न. हाँ तो जोर जोर से बोल ताकि वो कॉपी करे. मुझे पता था वो. ओह कम ऑन, मैं हर तिवारी. चूचा के लिए नो पीइंग है ये. मैम अब देखो अपना ये है कि संडास का कवर चोरी हो चुका है. 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर. ठीक है खत्म हो गए. इसका सही आंसर है
स्कूल अहेड, ये बड़ी बॉय, स्कूल और चिल्ड्रन क्रॉसिंग, स्कूल का मैं दे सकती हूँ, चलो दो मार्क्स आप दोनों को मिलते हैं. ओके, इसका है नो यू टर्न. हाँ, नो यू टर्न. या इसका है नो पार्किंग. करेक्ट. हो पार्किंग. हाँ, ये क्या लिखा तूने इसका? मैंने कंस्ट्रक्शन अहेड. और आपने क्या लिखा? इट इज मेन एट वर्क. मेन एट ऑन तुम दोनों का. और ये वाह, क्या लिखा आपने? दो रास्ते खुद देख लो. वाह, बॉटलनेक ट्रैफिक होती है ना वो. नहीं, ये है रोड वाइडन्स अहेड. रोड वाइड मतलब वो मीनिंग सेम है. ले ले दो मार्क्स. आपके कितने हुए? 1, 2, 3. आपको मिलते हैं 6 points. आपको मिलते हैं 8 points. तू गाड़ी ड्राइव नहीं करता? मैं करता हूँ मैम. तो फिर ये सब साइंस नहीं पता तुझे? नहीं नहीं, मैं नहीं करता ड्राइव. आपने कभी अपनी सेलेब स्टेटस का यूज किया है कभी ट्रैफिक में? मैंने कोशिश किया यूज करने का पर हुआ नहीं. मतलब एक दिन मुझे स्कूटी चलानी थी, स्कूटी राइड पे जाना था मेरे फ्रेंड के साथ. तो हम लोग निकल गए रात को. बोला अच्छा ट्रैफिक वाफिक नहीं होगी, एक चक्कर मार के आ जाएंगे हम लोग. तो मैं पीछे बैठ गई, हुडवुड पहन के, आपको कपड़ा बांध दिया मुंह पे ताकि कोई पहचाने ना. और गलती की हमने हेलमेट नहीं पहने थे. तो हम पता नहीं जाते जाते कहाँ पहुँच गए, बीके सी पहुँच गए. बड़ा अच्छा फ्रेंड होगा ये. एक पुलिस अंकल आ गए, फिर 3-4 और आ गए. और कुछ मतलब बातें चल रही थी वहाँ पर, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था. मैं देख रही थी कि क्या हो क्या रहा है. मैंने सोचा क्या मैं शक्ल दिखा दूँ, इनको तो छोड़ देंगे क्या मुझे. तो मैं भी अभी बड़ी हीरो बन के उतरी स्कूटी से, गई वहाँ पे, अपना मास्क निकाला, हुड निकाला. वो लोग कन्फ्यूज हो गए, उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं थी. सो दे वर लुकिंग एट मी लाइक दिस कि है नहीं है सोनाक्षी या क्या हो क्या रहा है. मतलब उन्हें रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं. वो फाइन भी लिया और उन्होंने वार्निंग भी दी और हमें तभी छोड़ा. तो आई ट्राई टू यूज इट बट हुआ नहीं यार. इसका उल्टा होता है, ये गाड़ी में जाता है तो बिलीव नहीं करते. टाइम है एक प्रैक्टिकल चैलेंज का. ये मार्बल्स तुम दोनों को अपनी अपनी चॉपस्टिक्स के थ्रू ट्रांसफर करना है. तो आपका टाइम शुरू होता है अब. नॉट बैड सोना. अरे दोनों हाथ से कर. टाइम अप. ये देखिए होता है हाई फाई. ये सुशी खाने जाती है, चॉपस्टिक से खाती है. तू जापानीज में जाएगा, चाइनीज भी हाथ से खाता हो. आपको मिलते हैं 10 marks. यस, थैंक यू मैम. मैं ना एक बारी एक फैंसी डिनर पे गया, बताऊंगा नहीं किसके साथ, बाद में बताऊंगा. बता ना करण जौहर के. नहीं नहीं नहीं. वो ना वहाँ पे ना एक चाइनीज रेस्टोरेंट में बैठ के ना सारे ऐसे बैठे हुए थे और ना खाना मंगा रहे थे. उस टाइम मेरे को चॉपस्टिक खाना आता नहीं था और मेरे को ना बहुत भूख लग रही थी. और वहाँ पे ना हर डिश चॉपस्टिक के साथ आ रही थी. मेरे को लगा यार कैसे खाऊंगा कुछ है. वो लोग बात कर रहे थे, बाकी सारे बाहर चले गए थे कुछ बात करने के लिए. तो जैसे ही वो मुड़ता था ना, मैं चॉपस्टिक डिमसिम के अंदर मारता था, गप्पा मार के खा लेता था. मैंने कहा केचप कुचप चटनी कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, बस ये अंदर न्यूट्रिशन चले जाए थोड़ा. फिर उसके बाद मैं खाता था, कहता तुमसे पूछा हाउ योर जिम से, लवली था, अमेजिंग. उसके बाद दोबारा वो मुड़ता था बंदा बात करने के लिए, मैं जिम से मैं करके बीच में खा लेता था. वो मुड़े सिर्फ 3 बार यार. इसी स्टोरी के लिए वो 2 marbles तुम रख लो. तो राउंड 2 में आप दोनों के मार्क्स हैं सोनाक्षी 43 marks out of 50. वाओ, चला माशाल्लाह 26 marks out of 50. वाओ, आपके 2 rounds के बाद टोटल मार्क्स यानी ओवरऑल स्कोर्स है सोनाक्षी 93 marks और वरुण 66 marks. तो देखो ये लास्ट और फाइनल मौका है जो फेलियर को डिस्टिंक्शन में आप बदल सकते हो, क्योंकि ये हमारा स्पीड राउंड. इस टेस्ट में मैं आपको दिखाऊंगी 5 photos. आपको गेस करना है हु इज द पर्सन. दिखाओ.
किसने बजाया? मैंने आई रियली थिंक इट्स मोदी जी. सही आंसर वो है, आई कांट गिव अ, लेकिन माइनस तेरे 5 हूं. ए माय गॉड, गिव मी नो, बिकॉज़ उसने पहले गोंग बजाया था. नेक्स्ट फोटो दिखाऊंगी, गेस द एनिमल. सोना कीप द हथौड़ा रेडी. सी आप हथौड़ा ही रेडी नहीं रखते हो. Sorry. बोलो सी हॉर्स. क्या बात है, आपको मिलते हैं 10 मार्क्स. वो ऐसे ऐसे करके जाता ना. बड़ा मजा. कभी सी हॉर्स की सवारी की है तो? नहीं. तू ऐसे हॉर्स राइडिंग नहीं की है बाहर जब पर? नहीं मैं, वो ऑक्सीजन नहीं आता नीचे. स्विमिंग जाता है जब तू. हाँ अब इसको देखकर बोलो गेस द कार. कम ऑन मैन, इट्स अ फिएट. हाँ कौन सी फिएट? जिसका गियर साइड पे होता है. इसका सही आंसर है प्रीमियर पद्मिनी. कौन सी प्रीमियर पद्मिनी? मैं वैसे काट लूं. नहीं मार्क्स मेरे काट दो. मैं इसके मार्क्स मैं काटूंगी नहीं. लेकिन फिएट यार, मैंने फिएट पे बोला. चूचा को 10 मार्क्स देती हूं मैं. व्हाट फॉर नॉट गिविंग द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस द ब्रांड. निर्मा. Excuse me, lady. I press the bell first. I press the bell. Thanks. And the answer it's Nirma. मैं अमूल बोलने वाला था पहले, लेकिन उन्होंने बोल दिया निर्मा. ना 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 ना. Washing powder. घंटा किसने बजाया पहले? मैंने बजाया. मैं काम कर. अगर तू ये पूरा जिंगल गाएगा तो मैं इसको दे सकती हूँ. और वो लड़की की तरह से जो राउंड भी. इसका आगे नहीं था वॉशिंग पाउडर निर्मा. मैं लगती भी हूँ वॉशिंग पाउडर निर्मा. वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध सी सफेदी निर्मा से आई, कपड़ा की सिल सिल जाई, सबकी पसंद निर्मा. बस 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 बस. इस सवाल के मैं आपको 15 मार्क्स देती हूँ. थैंक यू मैम, आई न्यू इट. ये कभी ना कभी तो काम आएगा मुझे. अभी क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है. अब क्या फायदा क्या मैं? गेस द फ्रूट. नहीं ये मैंने बजा दिया मैम. मैंने देखने के बाद बजाया. ये वो है जो पेड़ पे लटके होते हैं. बेरी. मैंने बजाया पहले यार. यू बजाउट इट विदाउट सीइंग द फ्रूट. आफ्टर सीइंग सो दैट्स चीटिंग. आजकल इसका वो ही चलता है, वो विदाउट सीइंग ही बजा रहा है. चीटिंग चीटिंग. किन्नू किन्नू. क्या किन्नू किन्नू? गूसबेरी गूसबेरी. कौन सा बेरी? गूसबेरी. सोना गेट्स 10 मार्क्स. इट इज गूसबेरी. हिंदी में इसे बोलते हैं रस भरी. मैम हमारे यहाँ पे तो ऐसे किन्नू मिलते हैं. हाँ तो तेरे यहाँ का किन्नू को पूछ. कैन्नू. ये राउंड खत्म होता है. आपको तो पता ही है आपको कितने मार्क्स मिले होंगे. आई थिंक मैं 100 से क्रॉस कर गई हूँ, पार चली गई. ऑल थैंक्स टू मी. आई नो दैट इज ट्रू. इस राउंड में आप दोनों के मार्क्स हैं सोनाक्षी 25 मार्क्स, 15 मार्क्स मिले आपको इस राउंड में. नॉट बैड नॉट बैड. एंड आफ्टर 3 राउंड्स आपके टोटल मार्क्स हैं सोनाक्षी 118 मार्क्स. यस आपको उल्टे मार्क्स मिले 81 मार्क्स. मतलब जो लकी विनर जिन्हें आज बैक बेंचर्स बनने का मौका मिलता है उनका नाम है सोनाक्षी. अब मुझे दोबारा आना पड़ेगा. हाँ तो फिर आएगा, फिर मिलूंगा. रिपोर्ट कार्ड लाइए भाई. कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर ऑफिशियली बैक बेंचर. लास्ट टाइम की इसमें आपके मार्क्स थोड़े हाई गए हैं. तो सोनाक्षी का रिपोर्ट कार्ड मैं पढ़ती हूँ. मिथोलॉजिकल नॉलेज इज ग्रेट. ये आप उनके वहां पर जाके बोलना. ये बैक बेंचर्स की पहली फ्रंट बेंचर है. डोंट राइड विदाउट अ हेलमेट. डन मैम. और आपका है इतना ज्यादा ब्रिलियंट स्टोरी टेलर. नॉट अलाउड इन स्कूल प्रेमिसेस. शुड रिप्लेस ट्री इन द स्कूल. टू क्यूट बट नॉटी. गिव मी अलवर. बट ये रिपोर्ट कार्ड. अरे मैं दे देता हूँ. मुबारक हो आपको. थैंक यू. आपका कॉन्वोकेशन गाउन ये कभी नहीं पहना मैंने ऐसे. मतलब तो सोनाक्षी कॉन्ग्रेचुलेशन. आपको मिलता है बैक बेंचर 2019 बैच में एडमिशन. लो आए बैक बेंचर है ये दीदी. बड़े बैक बेंचर छुपाती है बड़े बैक बेंचर.
जैसे कि यॉल नो कि मैं डीन के साथ साथ डांस टीचर भी हूँ, तो आओ सिखाती हूँ तुम्हें टिकटॉक स्टेप ऑफ द वीक. क्लास यही खत्म होती है. आई होप आपको भी मजा आया होगा और कुछ सीखे भी हो. नहीं तो डोंट वरी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हमें क्या फर्क पड़ता है. गुड लक एंड गुड नाइट स्टूडेंट्स. क्या मस्का लगा रहे हो. गई क्लास खत्म.